आपके ई मित्र पे कोई ऐसा कस्टमर आ गया, उसके पास अपना बैंक खाता है, इसके अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं है और उसको अपने जन आधार कार्ड की जरूरत है, या फिर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसके लिए जन आधार कार्ड रसीद संख्या या फिर जन आधार कार्ड नंबर या फिर जन आधार कार्ड की ही जरूरत है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक खाता संख्या से आप किसी के भी जन आधार कार्ड रसीद संख्या, जन आधार कार्ड संख्या या फिर जन आधार कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके जब भी आप जन आधार कार्ड की डिटेल निकालेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है जो बैंक खाता कस्टमर आपके पास लेके आया है वह जन आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अगर जन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो उस मामलों में आप डिटेल नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और जन आधार कार्ड के किसी भी वीडियो की जरूरत है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों सर्च के अंदर आपको टाइप करना है जन आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड एनरोलमेंट एंड सीडिंग सर्विस का चयन करेंगे, उसके बाद आप ओके बटन दबाएंगे, आप जन आधार कार्ड पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है एनरोलमेंट पे, उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है जेनरिक सर्च पे, ये वाला ऑप्शन है भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा HOF/member अकाउंट नंबर वाला, ये दोस्तों देख सकते हैं ये सेकंड वाला ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे बैंक खाता संख्या दर्ज करेंगे जो बैंक खाता कस्टमर आपके पास लेके आया है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, सर्च पे क्लिक करना है और जन आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपको एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी, यानी कि जन आधार कार्ड रसीद संख्या आपको मिल जाएंगे और ये जन आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल है। तो रसीद संख्या को आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद गो बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पे जाके यहाँ पे रसीद संख्या डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे और आपके स्क्रीन के ऊपर जन आधार कार्ड संख्या दिखाई देने लग जाएगी, ये है जन आधार कार्ड संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आपको और जन आधार कार्ड रसीद संख्या दोनों मिल चुकी हैं। अब आपको जन आधार कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो आप वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे और ई कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड रसीद दोनों में से किसी भी ऑप्शन का काम में लेके आप जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जन आधार कार्ड इस ऑप्शन से किस प्रकार से डाउनलोड किया जा सकता है इसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।